नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लू टॉप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर नागपुर में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना सीएए आर्टिकल 370 के साथ साथ चीन और भारतीय सीमा के बारे में अपनी राय रखी। चीन के बारे में कही उनकी बातों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। पहले जानिए भागवत ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि चीन ने अभिमान में आकर भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण किया था। उसके इस रवैये को सभी देश जानते हैं। उसने भारत के साथ साथ ताइवान, अमेरिका, वियतनाम, जापान के साथ भी झगड़ा मोल लिया है, पर भारत की जवाबी कार्रवाई से चीन सहम गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोहन भागवत की इन्हीं बातों पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, लिखा, अंदर ही अंदर मोहन भागवत सच जानते हैं, वो सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई ये है कि चीन ने हमारी जमीन ली है और भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी परमिशन भी दी है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में ये कहा था कि इस बार चीन को भारत ने जैसा जवाब दिया है उसके कारण चीन सहम गया। भारत की प्रतिक्रिया से चीन को धक्का लगा। भारत चीन के सामने तनकर खड़ा हो गया। सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से चीन ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसे मिला। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का रुख देखने के बाद दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, उसके सामने खड़ा होना शुरू किया है। इसलिए हमें सजग होने की जरूरत है, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। वहीं सीएए पर मोहन भागवत ने यह कहा था कि कुछ पड़ोसी देशों से सांप्रदायिक कारणों से प्रताड़ित होकर विस्थापित किए जाने वाले व्यक्ति जो भारत में आते हैं उन्हें इस सीएए के जरिए नागरिकता दी जाएगी। भारत के उन पड़ोसी देशों में सांप्रदायिक प्रताड़ना का इतिहास है। भारत के इस कानून में किसी सांप्रदाय विशेष का विरोध नहीं है, पर विरोधियों ने देश में ऐसा माहौल बनाया कि इस देश में मुसलमानों की संख्या ना बढ़े, इसलिए ये कानून बनाया गया है। इसी पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम बच्चे नहीं जो गुमराह हो जाएं। बीजेपी ने ये नहीं बताया कि एक साथ सीएए प्लस एनआरसी का मतलब क्या है। अगर ये मुसलमानों के बारे में नहीं है तो कानून से धर्म के सभी संदर्भों को हटा दें। जान लीजिए, हम लोग बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कानून में हमें खुद को भारतीय साबित करने की बात रहेगी। हम उस तरह के सभी कानूनों का विरोध करेंगे जिसमें लोगों की नागरिकता धर्म के आधार पर तय की जाएगी। मैं कांग्रेस, आरजेडी और उनके क्लोन से भी ये साफ कर दूं कि सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान आपकी चुप्पी लोग भूलेंगे नहीं। जब बीजेपी नेता सीमांचल के लोगों को घुसपैठिए बुला रहे थे तो आरजेडी और कांग्रेस ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला था। अब आपको ये बता देते हैं कि 2019 में सीएए एनआरसी कानून आने के बाद से देश में कई जगह बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसी पर मोहन भागवत ने कहा था कि सीएए पर विचार होता, मंथन होता, इससे पहले ही कोरोना महामारी आ गई और प्रदायिक आंच लोगों के मन में ही रह गई। ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। बाकी देश दुनिया की और खबरें आप जानने के लिए लल्लन टॉप के साथ रहें। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।